Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Nikhil Thakur from Union Territory, Chandigarh, ये problem matrix की है. Using elementary operations, find the inverse of matrix. A matrix है और इसमें column wise element है -1, 0, -1. Second column है 1, 2, 3. Third column है 2, 1, 4. तो इसके लिए हम मैट्रिक्स ए को इस तरीके से लिख सकते हैं, आई इंटू यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दें, प्री या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो या तो हम ए इज इक्वल टू आई ए लेके चलेंगे, या फिर हम यहाँ पर ए इज इक्वल टू ए आई ए लेके चलेंगे. अगर हम इसको लेके चलेंगे तो अब हम देख रहे हैं कि बाद, देखिए हमेशा मैट्रिक्स में रो वाई कॉलम होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो बाद में लिखी गई है, यानी हमें ऑपरेशन अब कॉलम में करना है, यानी यहाँ पर ऑपरेशन जो भी होंगे वो कॉलम में होंगे. लेकिन अगर हम इसको लेके चलेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले लिखी है, तो जितने भी ऑपरेशन होंगे वो रो में करना है. दोनों रो और कॉलम में एक साथ ऑपरेशन नहीं करना है, सिर्फ रो में करना है या कॉलम में करना है, अगर हम इसको या इसको लेके चलते हैं. तो इन दोनों में से किसी एक को चुन लेते हैं, हम इस पहले को लेके चलते हैं, ए इज इक्वल टू, और दोनों एक ही जैसा है और दोनों से रिज़ल्ट सेम आएगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है, और इसलिए रिज़ल्ट किसी भी मैथड से लगाएँ वो सेम आएगा. और यहाँ पर चूँकि 3 रो और 3 कॉलम है, तो इसे I3 लिख सकते हैं यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और इस मैट्रिक्स की जो वैल्यू, हम ए की वैल्यू जो गिवन है वो पुट कर देंगे, क्योंकि इसको बनना है आई, क्योंकि आगे चल के हमें क्या करना होगा, मेथड बता देते हैं, इसे सॉल्व करना होगा, और ये मैट्रिक्स चेंज होके आई में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये तो हम एज ए रखेंगे ए मैट्रिक्स, और जो ये वाली मैट्रिक्स आई है उसको हम एक दूसरी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे. और हम इनवर्स की डेफिनेशन जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है. अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई के इक्वलर है, यानी ए बी और बी ए कह दें, बाद एक ये दोनों वैल्यू सेम आएगी और वो आई के इक्वल आएगी, तब ए का इनवर्स बी होता है और बी का इनवर्स ए होता है. तो इस थ्योरी पे हम काम करेंगे और इस मैट्रिक्स को आई में कन्वर्ट कर देंगे, यानी इधर वाली मैट्रिक्स को आई में कन्वर्ट करना है. तो अभी ए की वैल्यू यहाँ पर लिख लें, और इसको ही चेंज होना है, दूसरा ए को हम चूँकि चेंज नहीं करेंगे इसलिए इसकी वैल्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि गलती ना हो जाए इसलिए हम उसकी वैल्यू ही पुट नहीं करेंगे, ए की वैल्यू सेकेंड वाले में ये, और सिर्फ फर्स्ट वाले की हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं ए की, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा इनवर्स में, ये वैल्यू यहाँ पर इनवर्स की वैल्यू मिलेगी आगे चल के हमको, और ये मैट्रिक्स ए को हम ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आई आता है तो ये ए का इनवर्स यहाँ पर हमें मिल जाएगा. तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चेंज लाना है, चूँकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसके लीडिंग डायगोनल में ही एलिमेंट होंगे 1, 1, बाकी ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो 0, 0 होंगे. अब हमें ऑपरेशन यहाँ पर इस तरीके से करना है कि सारे ऑपरेशन, चूँकि आई को हमने पहले लिखा है, तो जैसे कि पहले बता चुके हैं कि सारे ऑपरेशन जो होंगे वो रो में होंगे. अब यहाँ पर 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए इसमें हम ये ऑपरेशन करेंगे कि R1 में माइनस से इंटू कर देंगे, यानी -1 से इंटू कर देंगे, तो ये +1 आ जाएगा, क्योंकि इस जगह पर प्लस का 1 बनाना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर बनाना है हमको. तो ये ऑपरेशन करेंगे कि R1 में -1 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये चेंज होके जो वैल्यू आएगी उसको हम अगले पेज पे लिख रहे हैं. जो ऑपरेशन इधर करना लेफ्ट हैंड साइड, वही राइट हैंड साइड में इस वाली मैट्रिक्स में करना होगा, और जैसे कि पहले बता चुके हैं सारे ऑपरेशन हमें रो में ही करना होंगे अगर हमने इस तरीके से लिया है जैसे कि हमने पहले बताया. तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर -1 हो जाएगी, ये वैल्यू -2 हो जाएगी. तो फर्स्ट रो के एलिमेंट हमने लिख दिए, यानी अब रो वाइज लिखेंगे, क्योंकि सारे ऑपरेशन भी रो में ही हमने किए हैं. बाकी अनचेंज रहेगा जैसा हमारा था, यानी 0, 2, 1 और -1, 3, 4. और राइट हैंड साइड में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी उसमें
फर्स्ट वाले रो में जब हमने माइनस वन से इंटू किया तो ये वैल्यू हो जाएगी, और सेकंड और थर्ड कॉलम में कोई भी रो में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो एज इट हमने लिख दिया है। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर हम ज़ीरो बनाते हैं, लेकिन पहले से ज़ीरो मौजूद है तो हमारी बचत हो गई, और यहाँ पर ज़ीरो बनाना है तो हम यानी R3 में ऑपरेशन कर दें इस रो में, क्योंकि रो में ही ऑपरेशन करना है। तो ये ऐसे करेंगे, इसको जाके इसमें ऐड कर देंगे, यानी R1 को जाके R3 में ऐड कर देंगे, जो वन में वन ऐड होगा ये माइनस वन में, तो ज़ीरो हो जाएगा। तो R3 में हम R1 को प्लस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी अगले स्टेप, और जो ऑपरेशन लेफ्ट में करें ध्यान रहे वही ऑपरेशन राइट में करना है साथ साथ दोनों का। तो R3 में ही चेंज होगा, तो R1 R2 को एज इट नोट कर लें। तो इसको इसमें जब जोड़ेंगे हम, यानी R3 में R1 को जोड़ेंगे, तो A1 इसमें जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, A1 इसमें जुड़ेगा तो 2 आ जाएगा, A1 -2 इसमें ऐड होगा तो ये 2 आ जाएगा, और ये वैल्यू। और ऐसे ही ऑपरेशन हमें राइट हैंड साइड में करना है, यानी R1 को एज इट नोट कर देंगे, इसी तरीके से हम R2 को भी नोट कर देंगे। R3 में जब हम इस R1 को जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर -1 हो जाएगा, ये जुड़ के 0 0 0 हो जाएगा, 1 0 जुड़ के 1 आ गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर देखिए 1 के बाद इधर 0 बना लिया, अब यहाँ पर हमें 1 1 की ज़रूरत होती है। तो और अगले स्टेप में इधर 0 बनाना है, तो 1 1 होगा -1 करने के लिए, और ये 2 चूँकि यहाँ दिख रहा हमें तो इसलिए आराम से यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर भी 2 से चूँकि ज़रूरी है यहाँ पर बनाना, तो इधर 2 से तो डिवाइड कर लें R2 को भी, और R3 को भी साथ में कर दें। तो R2 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे और साथ में है R3 का भी डिवाइड कर लेंगे, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि R3 को 2 से डिवाइड करें, लेकिन हमारी कैलकुलेशन आगे की आसान हो जाएगी और ये सिंपल सा लग रहा है, इसलिए हमने ये ऑपरेशन एक्स्ट्रा में हमने कर लिया है। R1 में कोई भी ऑपरेशन नहीं किया है, तो R1 को विदाउट एनी चेंज नोट कर लेंगे, और हमने 2 से इसमें डिवाइड किया है तो ये वैल्यू यहाँ पर 2 से डिवाइड होने पर 1 आ जाएगी, इस 1 में डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो 0 1 1 हो जाएगा। और ऐसे ही ऑपरेशन हमें राइट हैंड साइड में करना होगा जैसे कि लेफ्ट में किया, यानी R1 में कोई भी चेंज नहीं किया जिसे, तो एज इट लिख दिया, और यहाँ पर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 1/2 और 0 हो जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2 0 और 1/2 आ गया। अब 1 के ऊपर भी 0 होना चाहिए या नीचे भी 0 होना चाहिए, तो इस R2 को हम यहाँ पर जाके R3 में ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और R3 में से R2 को माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यानी R1 में ऑपरेशन पहले कर रहे हैं, तो R1 में जाके R2 को प्लस करेंगे, और R3 क्योंकि ये 1 उसके नीचे 0 और यहाँ 1 ऊपर नीचे 0 होना चाहिए, इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं, R2 का यूज़ कर रहे हैं, यानी R3 में से माइनस करेंगे R2 को, यानी R2 का ही यूज़ किया जा रहा है इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ पर जो चेंज आएगा R1 और R3 में आएगा, R2 अब की एक नो चेंज रहेगा, और हमें R1 में R2 को ऐड करके लिखना है, तो 1 और 0 जुड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, ये दोनों -1 और 1 जुड़ेंगे 0 आ जाएगा, -2 में 1/2 जब जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा, यानी डेढ़ आ जाएगा, डेढ़ ही नहीं 1.5 3/2 आ जाएगा। और R2 में कोई भी चेंज नहीं करना है, तो इसको एज इट लिख देना है, और फिर R3 में से R2 को माइनस करना है, तो 0 में से 0 माइनस किया 0 आ गया, और 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। तो ये 1/2 यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे 1/2। तो ये ऑपरेशन हमने यहाँ पर किया, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में किया वैसे ही हमें राइट साइड भी करना चाहिए, तो राइट साइड में भी वैसे ही ऑपरेशन करना है, R1 और R2 को जोड़ना है, तो इसमें जाके हम जब इसको ऐड करेंगे तो -1 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये 1/2 आएगा, इसको ऐड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा, और यहाँ पर इसके बाद हम R2 को एज इट नोट कर लेंगे विदाउट एनी चेंज, ये तो यही आ गया। अब R3 में से R2 को माइनस करना है, R3 में से R2 को माइनस करना है, तो इसमें से ये 0 माइनस होगा तो -1/2 आ जाएगा, 0 में से ये 1/2 माइनस, 0 में से माइनस करेंगे 1/2 तो -1/2 हो जाएगा, और इस
वन बाई टू में से ज़ीरो को माइनस करेंगे तो ये भी वन बाई टू आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर वन बना लिया, उसके नीचे ज़ीरो, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ पर ज़ीरो वन और ज़ीरो बना लिया। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो, इधर वन बनाना है, तो इसके लिए हमें ये ज़ीरो बनाना है और ये ज़ीरो बनाना है। तो इसका हम यूज़ करें वन बाई थ्री का, और इसको ज़ीरो बना दें और इसको बना दें, यानी हम यूज़ करें आर थ्री का यूज़ करें इसको ज़ीरो बनाने के लिए, क्योंकि इसको वन बनाना है। आर थ्री में हमें यूज़ करेंगे, पहले आर वन का यूज़ कर, अब आर टू का, फिर आर थ्री का यूज़ हो रहा है यहाँ पर ज़ीरो और यहाँ ज़ीरो बनाने के लिए। तो अगर हम आर वन में ऑपरेशन करेंगे तो आर वन चूँकि माइनस की ये वैल्यू है, तो इसलिए हम आर वन में प्लस करना पड़ेगा, इस वैल्यू को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थ्री बाई टू हो जाएगा, उधर जाके जोड़ के ज़ीरो हो जाएगा, यानी थ्री टाइम्स आर थ्री कर देंगे। और इसको ज़ीरो करने के लिए डायरेक्ट हम आर टू में ऑपरेशन कर देंगे, आर टू में से माइनस कर देंगे आर थ्री को, तो ये ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी। तो अगले स्टेप में हमें इसको लिखना है, तो इन जगह में आ जाता है, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस ये देखें यहाँ पर चूँकि ज़ीरो है, तो यहाँ इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। इसमें थ्री बाई टू से थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री बाई टू हो जाएगी, जिसमें ऐड करने पर ये वैल्यू ज़ीरो की कुल आ जाएगी। आर टू इसमें से ये माइनस करेंगे तो ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस हुआ ज़ीरो आ गया, वन में से ज़ीरो माइनस हो गया तो वन रहेगा, वन बाई टू में से वन बाई टू माइनस होगा तो ज़ीरो आ जाएगा। इसमें चूँकि नो चेंज किया है तो ज़ीरो ज़ीरो और वन बाई टू आ गया। अब जो ऑपरेशन हमने लेफ्ट में किए थे वही इस मैट्रिक्स में राइट में ऑपरेशन करना है, यानी हमें इस आर थ्री में थ्री से मल्टीप्लाई कर देना है। पहले तो समझ लें कि थ्री से मल्टीप्लाई हो गया, ये थ्री बाई टू, ये थ्री बाई टू और ये थ्री बाई टू हो गया, ये माइनस का और ये प्लस का। अब इसको ऊपर जाके ऐड करना है, तो माइनस थ्री बाई टू को ऐड करेंगे तो ये माइनस वन में, तो माइनस वन में माइनस थ्री बाई टू ऐड होगा, एलसीएम ले लेंगे तो माइनस टू माइनस थ्री, तो माइनस का फाइव बाई टू हो जाएगा। तो इस जगह आप तो माइनस का फाइव बाई टू आ गया, और ऐसे ही ये थ्री बाई टू हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे तो वन बाई टू में ऐड करेंगे माइनस का थ्री बाई टू, तो एलसीएम ले लेंगे टू, वन माइनस थ्री यानी माइनस टू बाई टू, जो सॉल्व करने पर माइनस का वन आ जाएगा। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस माइनस वन। उसके बाद हमें इसमें थ्री बाई टू से इंटू करके उधर ऐड करना था, ज़ीरो में ऐड होगा तो ये तो थ्री बाई टू ही आएगा, नो तो थ्री बाई टू हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आर टू में से आर थ्री को माइनस करना है, यानी ज़ीरो में से माइनस, जब माइनस करेंगे ज़ीरो में से माइनस वन बाई टू माइनस करेंगे, ज़ीरो में से माइनस वन बाई टू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वन बाई टू आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है वन बाई टू के इक्वल, तो हम यहाँ पर वन बाई टू के इक्वल रख देंगे। फिर उसके बाद इसमें से ये माइनस करना है, तो ये चूँकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी देखिए वन बाई टू में से माइनस करेंगे माइनस वन बाई टू, तो ये माइनस माइनस प्लस होने की वजह से हाफ हाफ वन होता है, तो इसलिए ये वैल्यू वन के इक्वल आ जाएगी। अब इसमें से ये वैल्यू माइनस करना, ज़ीरो में से वन बाई टू को माइनस करेंगे तो माइनस का वन बाई टू हो जाएगा, और इस वाले रो को मैं आर थ्री में कोई भी चेंज नहीं किया, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, यानी माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू और प्लस वन बाई टू। अब चूँकि यहाँ पर वन बनाना है, तो वन बनाने के लिए टू अगर होगा तो टू से टू कैंसिल होकर वन आ जाएगा, तो आर थ्री में थ्री, आर थ्री में टू से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगला ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि आर थ्री में सिर्फ टू से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट रो नो चेंज ऐसे ही आ गई, और सेकंड रो भी नो चेंज एज इट नोट कर दी, और थर्ड रो में जब इसमें टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई है। तो यही ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड में करेंगे, बाकी सारे एलिमेंट ऐसे लिख दें माइनस फाइव बाई टू माइनस वन और थ्री बाई टू, और इसके बाद सेकंड रो भी ऐसे लिख देंगे, कोई भी हमने चेंज नहीं किया सेकंड रो में, बस यहाँ पर इसमें हमें टू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टू से टू कट जाएगा माइनस वन बचेगा, यहाँ टू से टू कट जाएगा माइनस वन, यहाँ टू से टू कट जाएगा तो वन बचेगा, तो माइनस वन और प्लस का वन आ गया, और ये चल रहा था पहले से। अगर ये आई के बराबर आ गया तो आई और ये कोई एक मैट्रिक्स आ गई है माइनस फाइव बाई टू माइनस वन थ्री बाई टू थ्री बाई टू, और ये वन बाई टू वन माइनस वन बाई टू माइनस वन वन,
दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका मतलब एक दूसरे के ये इनवर्स हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर ए का इनवर्स लिखना चाहें तो वो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू है -5/2, -1, 3/2, 1/2, 1, -1/2, -1, -1, +1। इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का यूनिक होता है, इसलिए इसका आंसर ज़रूर ही आप का अगर बुक्स लिया है तो वो उससे मैच कर जाएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखरुद्दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।